हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू सॉफ्टलाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट की कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैन सिग्निफिकेंटली स्पीड अप योर वर्कबुक। लर्न हाउ टू यूज दिस शॉर्टकट टू सेव टाइम एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। इन शॉर्टकट कीज से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और जल्दी जल्दी अपना काम भी कर सकते हैं साथ में। एसेंशियल नेविगेशन शॉर्टकट्स। फर्स्ट इज स्टार्ट प्रेजेंटेशन। प्रेस F5 टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग और शिफ्ट प्लस F5 टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर स्लाइड। कॉर्नर स्लाइड अपने आप वर्कबुक में एंटर करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेविगेट स्लाइड्स। यूज एंड एंटर स्पेस बार और राइट एरो टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड प्रेस एंड पी स्पेस बैक स्पेस और लेफ्ट एरो टू मूव टू प्रीवियस स्लाइड। ये कुछ वो होती हैं, कीज होती हैं जिनसे आप ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे ये सारी कीसा मूव कर सकते हैं अलग अलग स्लाइड्स में। नेक्स्ट इज जंप टू स्पेसिफिक स्लाइड। एक स्पेसिफिक आपको स्लाइड में जंप करना है तो टाइप द स्लाइड नंबर फॉलोड बाय एंटर टू जंप टू अ स्पेसिफिक स्लाइड। आपको सिर्फ अपनी स्लाइड का नंबर टाइप करना है एंड फॉलो एंटर टू जंप। डायरेक्ट एक एंटर पर प्रेस करना है फिर आप उस स्लाइड पे जंप कर लोगे। नेक्स्ट इज जूम। यूज कंट्रोल प्लस टू जूम इन। कंट्रोल प्लस ये वाला प्लस एंटर करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो जूम कर जाएगी। एंड कंट्रोल प्लस माइनस अगर आप प्रेस करते हो तो आपके जो स्क्रीन है वो जूम आउट कर जाएगी। नेक्स्ट इज डिजाइन एंड स्टाइलिंग शॉर्टकट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आप बी प्रेस करोगे तो बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपका जो टेक्स्ट है सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर आई आप प्रेस करते हैं तो इटैलिक सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज। फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज। फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट एरो, ये वाला आपको एरो प्रेस करना है तो आपका जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला अगर आप एरो प्रेस करते हो तो आपके फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लिपबोर्ड एक्शंस। फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस एक्स कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट आपका कट हो जाएगा और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपका कट हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स से। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस सी कॉपीड सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस सी कॉपीड सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। कंट्रोल
कंट्रोल प्लस सी से आप अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट. अगर आप कॉपीड कंसेंट नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट. कंट्रोल प्लस वी अगर आप प्रेस करते हो तो आपका जो कॉपीड टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट है वो पेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज शॉर्टकट कीज फॉर इंसर्ट एंड लेआउट. तो शॉर्टकट कीज है जो इंसर्ट और लेआउट में यूज होती हैं. फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस एम, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड. कंट्रोल प्लस एम अगर आप प्रेस करते हो तो आपकी एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट द स्लाइड. कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट द सिलेक्टेड स्लाइड. कंट्रोल प्लस डी अगर आप प्रेस करते हो तो आप अपनी स्लाइड का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एंटर, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड विद द सेम लेआउट एंड लेआउट एज द कॉन. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एंटर, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड विद द सेम लेआउट एज अ करेंट स्लाइड. आप एक और न्यू स्लाइड एंटर कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से, जो आपकी जो करेंट स्लाइड थी उससे मिलती जुलती होगी सेम. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड विद द सेम लेआउट एज अ सिलेक्टेड स्लाइड. एग्जैक्टली वही स्लाइड आपकी फाइल में इंसर्ट हो जाएगी जैसी आपकी फर्स्ट स्लाइड है. नेक्स्ट इज स्लाइड शॉर्टकट. फर्स्ट इज चेंज फोकस, प्रेस ऑल्ट प्लस प्रेस ऑल्ट टू मूव बिटवीन मार्क मिनी. First is change focus. Press Alt plus move between mini regions in a ribbon. आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो आपकी मिनी रीजन्स रिबन ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट इज एरिया नेविगेशन, प्रेस ऑल्ट प्लस एक्टिवेट द रिबन. यूज अलाउ कीज टू नेविगेट टैब्स एंड बटन्स. आप एरो कीज का यूज कर सकते हैं. प्रेस ऑल्ट टू एक्टिवेट द रिबन. नेक्स्ट इज एरिया नेविगेशन, प्रेस ऑल्ट टू एक्टिव द रिबन. यूज अलाउ की टू नेविगेट टैब्स एंड बटन्स. आप अगर ऑल्ट प्रेस करते हैं तो आपका रिबन है वो अलाउ हो जाएगा. यूज अलाउ कीज टू नेविगेट टैब्स एंड बटन्स. और आप अगर अलाउ कीज का यूज करते हो तो वो टैब और बटन अलाउ हो जाएंगे, नेविगेट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एसेंशियल नेविगेशन, प्रेस ऑल्ट प्लस ऐप ऑल्ट प्लस 10 टू अच्छी एक्टिवेट. नेक्स्ट इज एसेंशियल नेविगेशन, प्रेस Alt plus 10 to activate the header. Use allow keys to navigate alignments.
अगर आप ऑल्ट प्लस 10 प्रेस करते हैं तो आपका जो हेडर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और अलाउ की एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएंगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इन एमएस पावर पॉइंट. कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज एमएस पावर पॉइंट क्लोज द करेंट प्रेजेंटेशन विंडो. दिस शॉर्टकट इज यूजफुल फॉर closing the presentation with closing the end either PowerPoint application. Control plus W से आप जो आपने presentation बनाई है उसको आप close कर सकते हैं. What is Control plus H in PowerPoint? Control plus H in PowerPoint opens the replace dialog box allowing you to quickly find the replace specific word in presence throughout your presentation. Control plus H अगर आप प्रेस करते हो तो replace का dialog box open हो जाएगा. What is the F12 key used for in PowerPoint? F12 in PowerPoint opens the save as window allowing you to save your presentation with a new name or in the different location. Control plus 12 अगर आप प्रेस करते हो तो आपके पास एक मतलब एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिससे आपने जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसको आप सेव कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.